गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप और मेरी दिल से यही दुआ है कि आप सब लोग सेफ रहो, हैप्पी रहो, हेल्दी रहो। और आज की ये वीडियो है कि क्या कोरोना की वैक्सीन अगस्त 2020 तक लॉन्च हो जाएगी। जैसा कि इंडिया में बताया जा रहा है कि इट कैन लॉन्च, तो मैंने सोचा कि हम क्यों ना यूनिवर्स से पूछ लें। और प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के बेस पे आप मुझे जज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके जैसे इंसान हूँ। जैसे आपको फर्क पड़ रहा है, वैसे मुझे भी फर्क पड़ रहा है। और लिटरली मैं इस वैक्सीन का इंतजार कर रही हूँ। मैं क्या, हम सब इस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यूनिवर्स से पूछा जाए। तो जब मैंने पूछा कि क्या अगस्त 2020 तक वैक्सीन आ जाएगी, कार्ड आया 7 of Cups। अब इस कार्ड को देख के आपको बहुत ज्यादा अंदाजा हो गया होगा। देखिए, यहाँ पे इंसान जो है ना, ये सारे कप्स को देख रहा है। एक कप में ज्वेलरी है, एक कप में ड्रैक्यूला है, एक कप में स्नेक है। ठीक है, मतलब इट इज फिक्स नहीं है कि आ जाएगी। ठीक है, लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लॉट ऑफ डाउट। और मुझे यहाँ लिटरली फील हो रहा है कि शायद नो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको होपलेस नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, और मैं तो चाहती हूँ हम सब पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, होप रखें हम कि आ जाए वैक्सीन। और मेरी भी भगवान से यही इच्छा है कि हाँ वैक्सीन आ जाए। बट यहाँ पे जो कार्ड आया है, मैं सिर्फ वो देख रही हूँ कि ये कार्ड बता रहा है कि डाउटफुल मामला है। अगस्त तक वैक्सीन आने का जो चांस है वो लिटरली डाउट लग रहा है। और मुझे यहाँ पे ये स्नेक और ये ड्रैकुला जो है, ये सब ज्यादा दिख रहा है, तो थोड़ा सा गड़बड़ मामला है। ठीक है, हो सकता है लॉन्च हो जाए, बट शायद वो इतनी इफेक्टिव ना हो, पता नहीं। मतलब सिचुएशन बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है, बहुत ही क्लियर कट नहीं, यस नहीं है कि हाँ वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। फिर मैंने पूछा, चलो ठीक है, अगस्त तक में नहीं होगी, क्या सितंबर में लॉन्च हो जाएगी? तो सितंबर के लिए कार्ड आया 5 of Swords। और इस कार्ड को देख के मुझे लिटरली ये लग रहा है कि आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे भी मुझे बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं लग रही कि यहाँ पे भी कोरोना के लिए वैक्सीन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव होगी या बहुत ज्यादा कारगर होगी। यहाँ पे लिटरली मुझे लग रहा है कि हम ह्यूमन इस मतलब इस सिचुएशन से ना लिटरली फेडअप हो गए, अभी भी फेडअप हो गए, बट होते ना होप छोड़ दे, होप छोड़ जाना। यहाँ पे देखिए, तलवारें छोड़ दिए। ठीक है, मतलब एक फाइटिंग स्पिरिट होती है ना कि हम नहीं, इस चीज को लड़ना है, इस चीज इस जंग से लड़ना है, वो जंग की जो उम्मीद होती है, वो जो फाइटिंग स्पिरिट होती है, वो मुझे कम होती हुई नजर आ रही है। आई एम रियली सॉरी। ठीक है, ये थोड़ा सा लिटरली मुझे लग रहा है कि सितंबर में भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल मामला लग रहा है। ठीक है, बट गुड न्यूज, एक गुड न्यूज क्या है? ठीक है, यहां पे जब मैंने अक्टूबर के लिए पूछा क्या अक्टूबर 2020 में वैक्सीन लॉन्च हो सकती है, क्या 2020 में अक्टूबर में कुछ चीजें सॉल्व होंगी, तो देखिए कार्ड आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज अ पॉजिटिव कार्ड, इट इज अ वेरी स्ट्रांग कार्ड, यस कार्ड, पॉजिटिव कार्ड। ठीक है, फिर भी मेरे को ना दिल में थोड़ा सा डाउट था, मैंने सोचा मैं फिर से पूछती हूँ। ठीक है, तो फिर आया क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, अक्टूबर के लिए बात कर रही हूं मैं। तो अक्टूबर में जब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखे, तो मुझे लिटरली लगा, क्योंकि अक्टूबर में जो माताजी के दिन होते हैं ना, नौ दुर्गा माताजी के जो दिन होते हैं, नवरात्र, मुझे लिटरली वो लगा। और यहाँ पे मुझे लिटरली लगा कि हाँ, मतलब अक्टूबर में ना देयर विल बी अ गुड फेमिनिन स्ट्रांग पावर जो हेल्प कर सकती है वैक्सीन को, वैक्सीन लाने में और हील करने में। और मुझे यहाँ पे ये जो स्वॉर्ड दिख रही है ना, ये स्वॉर्ड और ये डंडा लिटरली मुझे लग रहा है कि भगाने में, इस पेंडेमिक डिजीज को, कोरोना को भगाने में, कट करने में, मतलब लग रहा है कि हाँ नवरात्रों में, जब नवरात्र स्टार्ट होंगे तब हो सकता है, तब हो नहीं सकता, बहुत ज्यादा चांसेस है, स्ट्रांग चांसेस है कि हाँ हम सब हील होने लगे, इस कोरोना का जो डर है, जो फियर है, इससे भी बहुत ज्यादा निजात मिलेगी और हो सकता है वैक्सीन भी आ जाए। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल है जो अभी रुका हुआ है, बिल्कुल बंद है, वो कब तक चालू हो जाएगा? ठीक है, तो उसके लिए कार्ड आया 5 of Wands। ठीक है, और 5 of Wands मुझे यहाँ लिटरली लग रहा है कि
आज से लगा लो, जुलाई से आप 5 महीने लगा लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, नवंबर तक हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रैवल जो है वो चालू हो जाए। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड्स हैं, ठीक है, लिटरली आप प्लीज इसे बहुत ज्यादा परमानेंट, इसे बहुत ज्यादा परमानेंट मान के मत चलिएगा। यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं सिर्फ मैं वो कह रही हूँ, ठीक है, और मुझे भी जज मत कीजिएगा। ओके ओके, एंड बहुत खुशी की बात यह है कि जब मैंने पूछा कि ओवरऑल लाइफ कब तक नॉर्मल हो जाएगी, कब तक सारी सिचुएशन जो है वो हील हो जाएगी, कब हम सब वापस एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब कहते हैं ना खुशी वाला जो मौसम होता है वो कब आएगा, ठीक है, तो आया कार्ड फोर ऑफ वॉन्ड्स का। और फोर ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहां लग रहा है लिटरली 4 महीने, वही 4 से 5 महीने, जुलाई छोड़ दो, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, तो यस अक्टूबर एंड से, अक्टूबर से सिचुएशंस बहुत अच्छी होना स्टार्ट हो जाएंगी, और नवंबर तक आते आते ना लिटरली सब चीजें लग रहा है कि हाँ यहाँ पे स्ट्रांग चांसेस हैं कि चीजें हील होने लगेंगी। ओके, जो भी लॉसेस हैं, जो भी सारा सफर करा है हमने, वो सब चीजें जो है वो रिकवर होने लगेंगी। ठीक है, ओके, एंड फिर मैंने पूछा कि ओके अभी जब तक ये सिचुएशन चल रही है तब तक हम हमारे बचाव के लिए क्या करें। तो सबसे पहली बात देखिए, आया द सन का कार्ड, आप सन की रेमेडीज कर सकते हैं। ठीक है, सनलाइट, ये तो सबको पता है, अभी तक शायद सबको पता पड़ गया होगा, बच्चों को भी पता पड़ गया होगा कि हाँ सनलाइट में रहो, अपना विटामिन डी बढ़ाओ, कैल्शियम बढ़ाओ, जितना ज्यादा सनलाइट में रहोगे, जितना ज्यादा सूर्य नमस्कार करोगे, उतना ज्यादा आपकी शायद स्ट्रांग रहोगे, इतनी ज्यादा इम्यूनिटी आपकी अच्छी बिल्डअप रहेगी। ठीक है, फिर आया द डेविल, यहां पे मुझे इस कार्ड को देख के सिर्फ ये लग रहा है कि जो भी नेगेटिविटी वाली जो चीज होती ना, आप सबको पता है, आप सब बच्चे नहीं हो, आप सबको पता है कि हम हमारी लाइफ में क्या क्या नेगेटिव सिचुएशन होती है, क्या नेगेटिव, हम कितनी बार नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव थिंक करते हैं, जो भी चीजें, उन सारी चीजों से बचना है। ठीक है, लिटरली फूड, क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड ये आया, ठीक है, ये मेरे हैंडमेड कार्ड है बट ये बहुत कमाल के हैं, ऑलवेज ईट फ्रेश फूड, फ्रूट्स, वेजीज, अवॉइड मीट एंड फ्रिज और फ्रिज और कैन फूड, कंज्यूम सैंडलवुड, सैंडलवुड शरबत और एनीथिंग लाइक ना हल्दी, जो भी रेमेडीज होती है ना, होम रेमेडीज, आपको पता ही होगी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, अवॉइड स्पीकिंग नेगेटिव वर्ड्स एज मच एज पॉसिबल, राइट ऑल नेगेटिविटी एंड बर्न इट डेली। ठीक है, जो भी अगर आपके दिमाग में नेगेटिव सिचुएशन आती भी है, नेगेटिव इमोशन भी आते हैं, तो उसे लिख के जला डालो सारे ना, नेगेटिविटी से बचने के लिए सॉल्ट बाथ, एनीथिंग जो भी आप कर सकते हो, लिसनिंग म्यूजिक, डांस, हाँ यहाँ पे ये एक चीज है, डांस, लव, डांस, लाफ, सिंग, प्ले म्यूजिक। पता है क्या, इस कार्ड को देख के लिटरली मुझे लगा कि आप जितनी अपनी वाइब्रेशंस हाई रखोगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, जितना ज्यादा, बहुत मुश्किल है ये कहना कि इस सिचुएशन में ना एंजॉय फुल्ली करना, बट आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे, मेडिटेट करोगे और पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहोगे ना, उतना ज्यादा आप बचे रहोगे। ठीक है, और द मून का कार्ड, द मून का कार्ड लिटरली यहां पे ये दिखा रहा है कि मून मतलब डर, यहां पे ये मून, क्योंकि टैरो में भी जब मून आता है ना तो फियर, इंट्यूशन, एंजाइटी, सीक्रेटिव फियर, तो इस चीज से बचने के लिए जितना ज्यादा आप सन को स्ट्रांग करोगे, और अगर आप चंद्रमा को स्ट्रांग कर सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी पीजिए, और चंद्रमा का कोई भी यंत्र, चंद्रमा का कोई भी यंत्र आप लगा सकते हो, इवन मोती और पर्ल आप पहन सकते हो, तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि वो हमें ना थोड़ा सा ठंडा रखता है, हम बहुत ज्यादा जब चिंता में होते हैं, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो हमें ना काम रखता है, शांत रखता है, दिमाग शांत रखता है। ओके, और जब टैरो से एक और ये जब कार्ड आया था, ठीक है, ये लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से है, जस्टिस का कार्ड, यहाँ पे ये लिटरली मुझे कार्ड का मतलब समझ में आ गया कि हाँ जो नेचर है वो अपने आप को बैलेंस कर रही है, बहुत सारी चीजें नेगेटिव हुई, अब उसके लिए ना उसका अपना तरीका है, ये सारी चीजें हैं, बट एक्चुअली हम सब लोग सफर कर रहे हैं, और मैं लिटरली भगवान जी से यही प्रे करती हूँ कि इस सिचुएशन से निकलने का ना तरीका बताओ। ठीक है, ओके, टैरो से जब पूछा था तो आया था टेन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर,
द टावर का मतलब देख के आप समझ गए होंगे, जैसे ही आप घर से बाहर निकलोगे तो ठीक है, अवॉइड जितना भी आप अवॉइड कर सकते हो बाहर निकलना, जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो, जितना ज्यादा आप गुस्सा, जितना ज्यादा आप एंजाइटी और जितनी ज्यादा ना जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है वो जितना ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो, जितना ज्यादा काम रह सकते हो, बट काम रहना है उसके साथ स्ट्रांग रहना है, स्ट्रांग रहना है, क्रिएटिव रहना है, बिजी रहना है। आपको लाइफ में जो चीजें अच्छी लगती है उसमें बिजी रहो। यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स यही चीजें दिखा रहे हैं, आप अपनी लाइफ के कामों में बिजी रहो, कर्म योग, जो भी आप काम कर रहे हो उसे करो और बाकी जो सारी चीजें ना वो ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जितना ज्यादा आप घर में रह सकते हो उतना ज्यादा घर में रहो, और स्ट्रेस, ओवर बर्डन, बहुत ज्यादा चिंता ये सब मत करो, ठीक है। और यहाँ पे ये लग रहा है ना, ये आदमी जो है ये घर पे जा रहा है इन टेन ऑफ इन वॉन्ड्स को लेके, तो जितना ज्यादा आप घर से लेके घर में रह के अगर आप काम कर सकते हो तो वो करो, ठीक है। सो गाइज, ये था एक शॉर्ट वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।